अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको शो कर रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है या कितने हमारे पास रोज़ है। तो इट शो द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या शो करती है? इसमें आपने ये शो करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कि आपके पास कितनी रोज़ है और कितनी कॉलम्स है। तो इसको हम जर्नली, इसका जो हमारे पास जर्नली हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास इसमें रोज़ कितने, इसमें कॉलम। तो इसमें इसका जो जर्नली फॉर्म है वो हमारे पास है एम क्रॉस एन। इसका मतलब ये है एम बाई एन। एम शो रोज़ एंड एन शो कॉलम। एम आपके पास क्या शो करता है? रोज़। और एन शो करता है आपके पास कॉलम्स। यहाँ आपके पास एम शो कर रहा है रोज़ और एन शो कर रहा है कॉलम। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4, 6, 8, 5। अगर मैं इसको लिख लूँ कि इसमें हमारे पास कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है, तो इसमें इसका जो जनरल फार्मूला है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला आप लेके, जनरल फार्मूला हमारे पास है एम क्रॉस एन। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास किस चीज़ का बराबर? इसमें हमारे पास एम क्या शो कर रहा है? रोज़। इसमें कितने रोज़ है? तो ये हमारे पास, अगर आप देखें, ये हमारे पास 2 रोज़। कितने रोज़ है? 2। यहाँ पे आपने क्रॉस लगाना है। अच्छा, इस क्रॉस का मतलब है बाय। अच्छा, फिर अगर आप देखें एन शो कर रहा है हमारे पास कॉलम, तो एन में हमारे पास कितने कॉलम्स है? इसमें हमारे पास कितने कॉलम है? 2 कॉलम्स है, 4 और 8, 6 और 5। ये दोनों आपके पास 2 कॉलम शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एन क्या है? 2। तो इसको हम 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ए हुआ, ऑर्डर ऑफ ए। तो ये हमारे पास शो करता है रोज़ एंड कॉलम्स को कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ है और कितनी नंबर ऑफ कॉलम है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है कि आपने फर्स्ट क्या लिखना है? रोज़ लिखने हैं, और इसके बाद आपने फिर क्या लिखने हैं? उसके बाद आपने कॉलम लिखने हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें ए एक मैट्रिक्स है और उसमें हमारे पास है 4, 5, 6 और यहाँ पर हमारे पास है 3, 5, 2। अगर आप देखें इसमें हमारे पास कितने रोज़ है और कितने कॉलम है, तो ए का हमारे पास ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ ए क्या होगी? ऑर्डर ऑफ ए आपके पास होगी कितनी हमारे पास कॉलम रोज़ है? 2 हमारे पास रोज़, तो 2 क्रॉस। और कितनी हमारे पास कॉलम है? 1, 2, 3। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं 2 बाई 3। तो 2 आपके पास शो कर रहा है रोज़ और 3 आपके पास शो कर रहा है कॉलम्स।